नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों, ये सलोरा कंपनी का 14 इंच सीआरटी टीवी है और ये डेड है। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसमें लाइन देता हूँ तो इसमें किट 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 इस तरह का आवाज़ आता है, बहुत ही बारीक आवाज़ आता है। ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। और टीवी हमारा डेड है तो अभी भी डायरेक्ट मैं इसमें लाइन दे के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में आप ध्यान से सुने। तो आप सुन लिए होंगे, इसमें बहुत ही हल्का हल्का आवाज़ आता है किट किट का। और इसमें जो है इसका जो इंडिकेटर होता है वो भी ग्लो नहीं हो रहा है और ये टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसको मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप में से किसी सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बताया था कि सर, जब भी आप टीवी रिपेयरिंग का वीडियो बनाते हो तो उसमें टीवी का मॉडल नंबर और ईएसटी नंबर और जो मेन आईसी होता है उसका नंबर मेंशन किया करो। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका मॉडल नंबर क्या है। तो ये इसका मॉडल नंबर है और ईएसटी नंबर जो है इसका वो E22529 है, ठीक है। और इसका जो मेन आईसी का नंबर बात करें तो इसमें जो है, शायद आपको नहीं दिखा रहा होगा, इमेज में आपको दे दूंगा इसका नंबर, तो आप वहां से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी कंपनी का टीवी आता है डेड कंडीशन में और उसमें किट किट का आवाज़ आता है तो सबसे पहले उसमें हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर चेक करना है। हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट हो जाने के वजह से भी जो है किट किट का आवाज़ आता है। तो पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करके मैं आपका टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इसका हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीनों पिन जो है इसका शॉर्ट बता रहा है। तो ऐसे में ये ट्रांजिस्टर को खोल करके लाइन को दोबारा इसमें दे करके जो है वोल्टेज को चेक करेंगे कि अभी ये ट्रांजिस्टर को खोलने के बाद में यहाँ पे कितना वोल्ट आउट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर को मैं खोल लिया हूँ और खोलने के बाद में दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी भी जो है इसमें शॉर्टिंग मिल रहा है कि नहीं ट्रांजिस्टर में। तो देख सकते हैं तीनों लेग जो है ट्रांजिस्टर का फुल शॉर्ट बता रहा है, यानी कि बीप मिल रहा है तीनों लेग पे। तो अब जो है ये ट्रांजिस्टर को खोलने के बाद में किट में दोबारा से मैं लाइन दे रहा हूँ और लाइन देने के बाद में जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था उसको चेक करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 117 वोल्ट आउट कर रहा है और बाकी का भी सप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पे 8 वोल्ट आउट कर रहा है और यहाँ पे 17 वोल्ट आउट कर रहा है। आइए, तो बाकी का सप्लाई हमें लग रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर को लगा करके मैं टीवी को चेक करता हूँ कि टीवी हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, अभी इसमें मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, अब जो मैं ट्रांजिस्टर को लगा लिया हूँ और अब जो है किट में मैं लाइन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, किट में ट्रांजिस्टर लगाने के बाद में मैं टीवी में लाइन दे रहा हूँ। तो अभी मैं टीवी में लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में यहाँ पे ईएसटी पे स्पार्क कर रहा था, अभी मैं निकाल दिया। मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ आपको, अभी मैं लाइन दे रहा हूँ। तो लाइन देने के बाद में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है। तो दोस्तों, ये ईएसटी कैप को बदलने के बाद जब मैं चेक कर रहा था तो भी स्पार्किंग बहुत ज़्यादा कर रहा था और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर दोबारा से जल गया। तो ये ईएसटी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा करंट फॉलो कर रहा है जिसके कारण जो है आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया। तो ऐसे में ये ईएसटी को हमें बदलना होगा। तो चलिए, ये ईएसटी का नंबर देख लेते हैं कौन सा है।
तो दोस्तों ये ESD को मैं किट से खोल लिया हूँ और इसके जगह पे नया ESD लाया हूँ, जो कि थोड़ा डिफरेंट नंबर है, बट जो है काम कर जाना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा रिक्स कर रहा हूँ, तो मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ। ये EF 22500 है, फिर 22528 है, यानी कि 22528, और ये जो पुराना वाला नंबर था वो था E 22529, ठीक है। तो अगर ये ESD काम कर जाता है इस किट में, तो आपको ये नंबर को नोट करके रखना है कि ये तीनों नंबर जो भी रहेगा वो एक दूसरे के जगह जो है काम कर जाएगा। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये ESD लगा करके, क्योंकि सेम नंबर का ESD नहीं मिला। तो चलिए ये ESD को लगा लेते हैं। तो दोस्तों किट में मैं ESD को लगा लिया हूं, और इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर दोबारा से जल गया था उसको भी मैं बदल लिया हूं। तो अभी मैं किट में लाइन दे करके चेक कर रहा हूं कि स्पार्किंग का जो प्रॉब्लम था वो अभी ठीक हुआ है कि नहीं। तो देख रहे हैं अभी भी टीवी में जो है पिक्चर ट्यूब से आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों ये फॉल्ट जो है वो पिक्चर ट्यूब का है, ठीक है। तो अभी भी इसको हम देखते हैं कि और क्या उपाय लगा सकते हैं। पिक्चर ट्यूब का स्पार्किंग को बंद करने के लिए मैंने क्या क्या किया वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पेस्ट आता है, जो कि देख सकते हैं इस तरह का पेस्ट, ये पेस्ट का भी यूज किया हूँ मैं, फिर भी ये है स्पार्किंग बंद नहीं हुआ। और यहाँ पे ब्लैक टेप लगा दिया था, तो ब्लैक टेप लगाने से थोड़ा सा तो स्पार्किंग कम हुआ, बट जो है बिल्कुल जो है बंद नहीं हुआ है, स्पार्किंग करते हैं। तो इसके लिए जो है अब जो है मैं कुछ दूसरा उपाय लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों कभी कभी कोई फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना होता है, और उसके लिए बहुत सारा समय लग जाता है। तो ये संभव नहीं कि हर स्टेप का रिकॉर्ड करके वीडियो बनाया जा सके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मेन स्टेप होता है उसको मैं रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जो है फाइनली इसका जो प्रॉब्लम था वो मैं ठीक कर लिया हूँ। तो इसमें मैं क्या किया हूँ वो आप देख सकते हैं। इसमें पिक्चर ट्यूब में पूरे में एनाबॉन्ड जो है लगा दिया, और एनाबॉन्ड लगाने के बाद में अगले दिन जो है मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब जो है एनाबॉन्ड फाइनली जो है इसका ड्राई हो चुका है, यानी कि सूख चुका है। तो अब जो है मैं लाइन दे करके आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी जो हमारा लाइन दे रहा है, लाइन देने के बाद में देखते हैं कि टीवी हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। तो अभी मैं किट में लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं किट का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, और स्क्रीन पे लाइट देखते आया कि नहीं। तो देख सकते हैं लाइट भी आ चुका है, तो टीवी हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस किट को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया, और इसमें जो है मजदूरी भी बहुत कम बचने वाला है। फिर भी क्या करें, ये काम ही ऐसा है, किसी में जो है ज़्यादा इनकम होता है, किसी सेट में कम इनकम होता है, तो ये सब चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।